से सुना। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के चौथे दिन यानी आज बीजेपी विधायक सांवलाराम डहरे के सवाल पर गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने जवाब देते हुए कहा कि दुर्ग जिले में बलात्कार के बाद चार महिलाओं की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। विधायक टारे ने कहा कि न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है, तो आइए सुनते हैं विधानसभा में और क्या कुछ किसने कहा। उसको संरक्षित करने के लिए गजराज प्रोजेक्ट बनाया गया था, चार साल बीत गए हैं, अभी तक उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मात्र 19 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है। रेलवे लाइन को स्वीकृति देने के समय सरकार के द्वारा एनजीटी के समक्ष यह आश्वासन दिया गया था कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही रेलवे लाइन का कार्य चालू होगा। रेलवे लाइन का कार्य चालू हो गया है, जंगल कट रहे हैं, लेकिन हाथियों को संरक्षित करने के लिए अभी तक कोई वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान नहीं बना है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई, पूर्ववर्ती सरकार ने इसी क्षेत्र में हाथियों को संरक्षित करने के लिए एलिफेंट पार्क का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। उस समय वन मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार ने एलिफेंट पार्क को पूरी स्वीकृति दे दी, उसके बावजूद एलिफेंट पार्क में अभी तक कोई काम नहीं हुआ और आज वन मंत्री जी ने यह घोषणा भी कर दी कि उस क्षेत्र में कभी भी एलिफेंट पार्क नहीं बनेगा। मतलब जब खदानों और वन में बसे लोगों के बीच चुनाव करना है तो इस सरकार ने खदानों का चुनाव किया है। इससे सरकार की गलत मंशा भी उजागर होती है। महानदी त्रिवेणी संगम राजिम हमारा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वोच्च तीर्थ स्थान है। आज ही नहीं, लाखों सालों से माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक हर साल मेला भरते आ रहा है और लाखों श्रद्धालु हर साल इस महानदी में माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को एक धार्मिक कार्य की तरह हमेशा पुण्य स्नान करते आए हैं। पूरे इस मध्य भारत का सारा संस्कार कार्य इस महानदी के ही त्रिवेणी संगम पर होते आया रहा है, लेकिन राज्य बनने के बाद में जहां हमारी कांग्रेस की सरकार ने राजीव लोचन महोत्सव के रूप में शुरुआत कराया, लेकिन ये सरकार 2003 में बनने के बाद में इसे कुंभ नाम दे दिया गया और कुंभ के आड़ में महानदी को लगातार पर्यावरण नष्ट करने वाली सामग्रियों से सड़कें बना बना करके पूरे महानदी को पाट डाला गया है। हर साल नकली कुंड बनाए जाते हैं लोगों को नहाने के लिए। इस साल भी उस नकली कुंड में एक पुलिस का सिपाही मर गया उसमें। इस साल भी उस अस्थायी कुंड को बनाने के लिए लगभग 52 लाख का टेंडर निकाला गया है जो बारिश में पड़ जाता है। हर साल साधु संतों को नंदी के अंदर ठहराया जाता है और लगभग 600 शौचालय नदी के भीतर इस साल भी बनाए गए हैं, पिछले वर्ष भी बनाया गया। उस महानदी के इस संगम तट के दोनों किनारे में
नवापारा और राजिम दो अलग अलग शहर हैं। इस दोनों शहर के लोगों का साल भर निस्तार भी इसी नदी से होता है। पेयजल की भी योजना इसी नदी से बनाई गई है। इसके 10 किलोमीटर नीचे में टीला से नया रायपुर की पेयजल योजना है। अभी तो 15 दिन आरती करते महानदी की और उसी हालत में वो शौचालय की सारी गंदगी को नदी में छोड़कर ये लोग सब चले जाते हैं। यहाँ के नागरिकों को हर साल उसके सड़ांध का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 सालों से तो लगभग महामारी फैलने की स्थिति बनी थी दोनों नगरों में। इस साल सारे स्वयंसेवी संगठनों ने, जनता ने बहुत विरोध किया कि ये सड़क ना बनाया जाए। वहां के सांसद ने भी विरोध किया, शौचालय न बनाने का नदी के भीतर भी विरोध हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इस सरकार की हठधर्मिता के कारण आज भी इस समय भी वहां पर शौचालय बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। नदी को पाट के उसका अस्तित्व को खराब कर दिया गया है और इसे रोक लगाने के लिए ही हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से आज स्थगन हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। आज दुर्भाग्य से इस पर चर्चा नहीं हो सकी। हम लोग आग्रह करने के बावजूद भी हम लोग ये चाहते थे कि सरकार से इस विषय में जवाब आए और ये इसको रोक लगाई जाए। आज प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है महानदी और इन पर्वों पर स्नान, और जो पूरी तरह से इस सरकार की बद इंतजामी के कारण पूरी तरह से आज व्यवधान पहुंच चुका है और इसके लिए हम लोगों ने स्थगन दिया है और इसके लिए कांग्रेस पक्ष की ओर से बहिष्कार भी किया गया। धन्यवाद। पहले दिन बोली हुआ पता नहीं कैसे मरा। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं और साथ में सरकार ने अपना पक्ष रखा है और तमाम बातें की गई हैं। और आप बता दें कि रेप पीड़िता के बारे में भी जिक्र किया गया है। आपने सुना कि विधानसभा में क्या कुछ किसने कहा और साथ में सरकार पर किस तरीके से आरोप भी लगाए गए। बजट सत्र के चौथे दिन सभी विधायकों ने अपनी बातें रखी। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।